वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। मैं अमिता बशेष आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस फेस वॉश का रिव्यू। ये है बायोटेक का एडवांस आयुर्वेदा बायोनीम प्योरीफाइंग फेस वॉश। ऐसी सेम हिमालय की भी पैकेजिंग आती है नीम फेस वॉश की, तो पर अभी मैं बायोटेक का आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो बायोटेक जो है काफ़ी, ये एक आयुर्वेदिक फर्म है, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, हर्बल होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, तो इसीलिए मुझे ये पसंद आते हैं। बायोटेक के प्रोडक्ट्स मैंने जितने भी आज तक यूज़ किए हैं मुझे सब पसंद आए हैं। तो बात करते हैं आप इस फेस वॉश की। ट्यूब टाइप पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है और इसका जो प्राइस है 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में ये 100 ml की मुझे पैकेजिंग रिसीव हुई है। आप इसको जो है ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर आप लोकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं, सब जगह ये इजीली मिल जाता है। और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स और पैकेजिंग आपको छोटी चाहिए छोटी भी मंगवा सकते हैं, बड़ी चाहिए तो बड़ी भी मंगवा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आप पहले छोटी पैकेजिंग यूज़ करिए ताकि अगर ये आपको सूट करे तो फिर आप बड़ा पैक ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके बैक साइड पे डिटेल्स क्या मेंशन है। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है ये 100% सोप फ्री है और मेकअप वगैरह को ये रिमूव कर देता है अच्छे से अगर आपके फेस पे लगा हुआ हो और आपके पोर्स वगैरह को क्लीन करता है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं ये रिव्यू तो बाद में बताऊंगी, बट यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये मेकअप को ऐसा कोई रिमूव नहीं करता। आपको पहले मेकअप रिमूवर से रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद इसे अप्लाई करिए फेस पे। और उसके बाद यहाँ पे किस तरह से इसे यूज़ करना है, वेट फेस पे इसको अच्छे से मसाज करना है फेस पे और अच्छे से क्लीन कर लेना है मॉर्निंग इवनिंग में 2 टाइम्स। और बाकी इन्होंने बायोटेक के हर प्रोडक्ट पे जनरली ये लिखा होता है दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट यहाँ पे दी गई है क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। मुझे कहीं भी केमिकल या पैराबेन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और तो ये थी इसकी पैकेजिंग। इस तरह से कैप इसका ओपन होता है और कैप जो है ट्रैवल फ्रेंडली बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन ये इस तरह की कैप जो होते हैं ना ये यहाँ से बड़े गंदे हो जाते हैं, तो मैसी मैसी सा हो जाता है, तो वो मुझे बहुत पसंद नहीं आते। बट प्राइस के हिसाब से देखें तो अब इससे ज़्यादा हमें कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है बात हो गई इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह सब कुछ। अब मैं आपको रिव्यू बताती हूँ आपका। गाइस यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये शायद ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा सूट करेगा, और ये क्योंकि ये फेस पे से ऑयल अच्छे से रिमूव करता है और नीम इसमें है तो नीम का तो काम ही यही होता है, और पिम्पल्स वगैरह को दूर करना फेस पे से, ऑयल को कम करना, डस्ट पॉल्यूशन को क्लीन करना, तो वो काम ये जो है अच्छे से करता है। ड्राई स्किन वालों को हो सकता है ये लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का सा खिंचा खिंचा सा फेस लगे, वैसे और मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। तो मुझे ये पसंद आया है प्रोडक्ट। और दूसरा जो है इसकी फ्रेग्रेंस भी बता देती हूँ, इसमें एक माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है जैसे कि नीम में आती है। कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आ सकती, हो सकता है ना आए कुछ लोगों को पसंद, बट फेस क्लीन करने के बाद वो खुशबू जो है वो गायब हो जाती है। तो जहाँ तक मेरी बात है मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया है, मैं इसे दोबारा यूज़ करना चाहूँगी। ऑयली स्किन वाले इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं क्योंकि अफोर्डेबल तो है ही, उसके अलावा अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, और बायोटेक का है। तो ये था मेरा इस प्रोडक्ट का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन बाय गाइज, बाय बाय, टेक केयर।